मत भूलो। क्या थैंक यू? अगर अंकल और आरती ने तुम्हें पकड़ लिया होता कि ये बच्चों का सामान लेके कहाँ जा रहे हो, किसके लिए लाए हो? तो अरे तो तुम हो ना संभालने के लिए। ठेका ले रखा मैंने संभालने का, कभी तुमको संभालो कभी अंकल को संभालो, पर्सनल लाइफ कुछ बची नहीं है मेरी तो। चार चार गर्लफ्रेंड्स थी मेरी। तेरी? ए शक्ल में मत जा। और इस अपूर्व की शादी के चक्कर में एक नहीं संभाल पाया मैं। देखिए मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूँ। आप नहीं समझेंगे ब्रह्मचारी भैया, बाहर जाके देखिए कितनी खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ दोस्ती करना चाहती हैं, मेरे जीवन में आने के लिए बेताब हैं, और मैं यहाँ पर दाढ़ी लगा के 55 साल के अंकल को समझा रहा हूँ जीवन क्या है, क्या है मेरा जीवन, क्या रह गया है मेरे जीवन में। जीवन हमारे आश्रम का एक होनहार छात्र है, हैं? जी आपने मुझे उसकी याद दिला दी। पंकज जी ये शर्ट जीवन के लिए कैसा रहेगा? आप मेरे जीवन के लिए शर्ट लाई? सिर्फ जीवन के लिए नहीं, आपके आश्रम के सारे बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आई हूँ। प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कैसा दिखेगा मेरा जीवन इस शर्ट में? लेकिन दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये शर्ट और ये पलंग की चादर आपस में मेल खाते हैं। मेल? मेल कैसे आ गया? मैं तो अभी अभी नया नया लेके आई हूँ। ए, उनका कहना है कि शर्ट का और चादर का डिजाइन सेम है। अरे हाँ तो उसमें क्या हुआ पंकज जी? आपको पता है क्रिसमस के टाइम पे ना मैं और मेरी बहन सेम टू सेम कपड़े पहनते थे। बैंड बाजा पार्टी। पंकज जी देखो आप जो जीवन है वो आश्रम में है और जो चद्दर है वो इस घर में है, तो जीवन के ना दिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। एक मिनट ये सब कुछ मैं क्यों सुन रहा हूँ? हाँ एक बात कान खोल के सुन लो, मेहरबानी करके ये सब आइटम्स अंकल और आरती से दूर रखना, अगर उन्होंने देख लिए ना तो फिर मैं नहीं संभाल पाऊंगा। सबसे पहले अपूर्व अंदर जाएगा और उसके बाद हम सब। हमारा तो ठीक है लेकिन पंकज भैया अगर आप अंदर चले गए ना तो सोचिए क्या होगा उन बच्चों का, कौन देगा उन्हें कपड़े रोटी मकान, फिर सिर्फ जीवन ही नहीं उन सब बच्चों का जीवन पूरा कागज हो जाएगा। ए, फालतू बात मत करा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मैंने सिर्फ अपना डर बता दिया। आप ठीक कहते हैं राजू भाई, मीट, मीट। मैं ये सामान आज ही आश्रम पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ, आज ही नहीं अभी, आप संभाल कर मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए। चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो, कल शादी है, समझ में नहीं आता तुम लोग को, आराम से बैठे हैं यहाँ पे। गुरुदेव 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 गुरुदेव, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है देवेश कि पांव सिर्फ भगवान के छूते हैं। आप ही मेरे लिए भगवान समान है गुरुदेव। गुरुदेव आज आपकी वजह से मैं से कहां पहुंच गया हूं। गुरुदेव आपके आश्रम के पालने में मुझे कोई अकेला छोड़कर चला गया था, और आज गुरुदेव आपकी वजह से मैं शादी में मंडप डेकोरेशन का काम करता हूँ गुरुदेव, और कई आदमियों के पेट पालता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव अगर आपके आश्रम के पालने में आपने मुझे पाला ना होता गुरुदेव तो मेरा क्या होता, इन सब का क्या होता। अरे जल्दी काम करो ना, समझ में नहीं आता कब शादी है, और कोई गुरुजी के लिए कुर्सी लाओ भाई, उकाला लाओ भाई कोई। नहीं नहीं, नहीं आवश्यकता नहीं है। आवेश नहीं देवेश जी। गुरुदेव मैं तो तुम्हें ये सामान देने आया था, इसे आश्रम पहुंचा देना। जी गुरुदेव। और हाँ इसमें एक प्यारा सा शर्ट है जीवन के लिए, उसे पहनाकर देख लेना। जी गुरुदेव। तो मैं चलूं? एक मिनट गुरुदेव। नहीं नहीं मैंने तुम्हें मना किया था ना। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं मेरे प्रभु, मैं क्या था और आपकी वजह से मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं।
आपके आश्रम के पालने में मुझे कोई अकेला छोड़कर चला गया था। आप न होते तो मेरा क्या होता। बस देवेश बस। जी गुरुदेव, अब मेरे भगवान है गुरुदेव। प्रीति भाभी इतनी छोटी शर्ट। आरती। जी अंकल। आरती। जी अंकल आई। ये लीजिए अंकल, अब ये लीजिए। क्या हो गया? अरे आरती बेटा। हाँ? ये छोटी सी शर्ट किसकी है? पता नहीं, ये मुझे पंकज भैया के कमरे में मिली। मुझे भी नहीं पता इतनी छोटी शर्ट हमारे घर में क्या कर रही है। भाई कहाँ से आए हो? क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं। अंकल जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा इस शर्ट से कोई नाता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस शर्ट के बारे में हम कुछ नहीं जानते, और इससे बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है कि उसे कारागार में भेजा जाए। लेकिन पंकज बेटा, इस तरह पसीने से तरबतर क्यों हो गए? अंकल जी, मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। इसमें भयभीत होने की क्या बात है और झूठ बोलने की क्या बात है? हमने तो सिर्फ ये पूछा कि ये शर्ट किसकी है। इसमें इतना एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है बेटा? बाबा, ये पंकज दादा इतना डर के मारे कांप क्यों रहा है? लगता है जरूर कुछ गोंडोगोल मारा है। अपूर्व दादा भी इधर में नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन हम अच्छे से हैंडल कर लेगा तो पल्लूषा के सामने हमारा इंप्रेशन खूब भलो हो जाएगा। पंकज दादा, तुम इतना घबराया हुआ क्यों दिखता है? कुछ नहीं परेश भैया, मुझे पंकज भैया के रूम से ये शर्ट मिली। और अंकल जी ने जरूर पूछ लिया होगा कि ये शर्ट किधर से आया और तुम घबरा गया। जाओ जाओ, तुम घबराओ मत, भीतर जाओ, हम सब संभाल लेगा। अरे जाओ दादा, उधर प्रीति भाभी तुमको बुलाता है, हम संभाल लेगा। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, अंकल जी आप यही पूछना चाहता है कि ये शर्ट किधर से आया है ना? अगर तुम बताना चाहते हो तो बताओ। मतलब आप पूछना नहीं चाहता है? अगर तुम चाहते हो कि हम तुमसे पूछे तो लो पूछते, ये कहाँ से आया? बताता है। हुआ ए अंकल जी कि एक जो पंकज दादा है वो हमारे लिए एक तो शर्ट लेके आया। हम जैसे वो शर्ट पहनने के बाद धोया, और धोने के बाद इतना छोटा हो गया, सिकुड़ गया। तो हम उसको बोला एक घटिया शर्ट वापस करके आओ बाजार में तुरंत। ठीक, अभी आप ये नहीं जानना चाहेगा कि इतना छोटा सा बात में वो पंकज दादा घबरा क्यों गया? अरे हाँ, ये तो भूल ही गया भाई, ये पंकज इतना डर क्यों रहा था? वो क्या हुआ अंकल जी, दादा को ऐसा लगा कि आप तो उसको डांटेगा कि आपने छोटा भाई के लिए इतना घटिया शर्ट लेके आता है जो धोने के बाद तुरंत इतना छोटा सिकुड़ के हो जाता है। किंतु हम उसको समझाया कि दादा तुम चिंता मत करो, जो साबुन से हम यही शर्ट धोया है वही साबुन से हम स्नान कर लेगा, तो हम भी सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, शर्ट का साइज बराबर हो जाएगा। अभी देखने से मालूम होता है कि सब सेटल हो गया है, तो हम जाता है। अच्छा आरती जाता है। अच्छा अंकल जी। अंकल बेटा, एक बात समझ में नहीं आती कि ये परेश जो है, ये हमारे दिमाग को ये शर्ट जितना छोटा क्यों समझता है? नहीं, जब भी कुछ बोल जाता है तो हमेशा बेतुकी बातें करता है। अंकल वो वकील है ना, उनकी आदत है ऐसे पॉइंट्स निकालने की। नहीं नहीं बेटा, एक बात बताऊं, ये पंकज जो बेचारा थर थर कांप कर बता रहा था वो सच बोल रहा था, और ये परेश जो कॉन्फिडेंटली सब बातें बता कर गया वो झूठ बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ के पीछे सच क्या है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। क्या भाई, कौन है, कौन यहाँ, क्या देख रहे हो यहाँ तुम? क्या टेंशन किस बात का है, क्यों इस दिन चक्कर वक्कर मार रहे हो तुम? आश्रम के बच्चे तो ठीक है? जी वो सब तो स्वस्थ हैं, और उनके स्वस्थ रहने के पीछे कारण है व्यायाम।
दो घंटे प्रतिदिन व्यायाम शरीर को कई प्रकार के रोगों से मुक्त रखता है, और रोग तो इस नगर की वायु में ही फैले हुए हैं। तुम क्यों फैल रहे हो रोग की तरह? जल्दी बोलो ना, पॉइंट पे आओ। जी दरअसल बात यह है कि आप तो जानते हैं कि प्रीति जी सदैव हमें ये इनके प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न करती रहती हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता। ओ अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। तो टेंशन ये है? नहीं, बात ये नहीं है। तो बात यह है कि आज फिर उन्होंने एक ऐसा ही प्रयत्न किया जो हमें अच्छा भी लगा। ओहो, अरे क्या बात है यार, प्रीति तुम्हें पसंद आई, तो फिर टेंशन किस बात का है? नहीं नहीं नहीं, हमारा तात्पर्य ये नहीं है। तात्पर्य तत्परता से बताओ क्या है। जी दरअसल बात यह है कि प्रीति जी आश्रम के बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई हैं। That's so sweet of her, है ना? आपको ज्ञात ही होगा कि हम एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि मैं भी उस अनाथ आश्रम का हिस्सा था। जी 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 जी, और वो कपड़े हमने आश्रम पहुंचा दिए हैं, किंतु एक समस्या हो गई है। आ गया आ गया आ गया, समस्या पे आ गया। बोलो समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमारे आश्रम के एक छात्र जीवन का शर्ट यहीं कक्ष में रह गया। हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। जी वो शर्ट अंकल जी के हाथ लग गया। क्या? अंकल जी को शंका हो गई कि इतने छोटे बच्चे का शर्ट यहाँ आया कैसे। हाँ तो तुमने क्या कहा? हम तो कुछ कह ही नहीं पाए। वेरी गुड वेरी गुड, पूछने दो। किंतु तभी परेश भाई वहां आ गए और उन्होंने अंकल जी को समझाया। क्या समझाया? उन्होंने कहा कि वो शर्ट हमने उन्हें भेंट की है जो पहली धुलाई में सिकुड़कर छोटी हो गई है। अरे क्या कहा अंकल ने? अंकल जी को संदेह हो गया और 100% अंकल जी उन्हें ढूंढ रहे हैं। अरे गधा है गधा है, अकल लेंगे। अच्छा अच्छा, अभी क्या करें क्या करें। ओके, घर वालों को बोल दो कि मीटिंग रूम में आ जाए, मीटिंग है, और परेश अंकल के हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ चल चल चल। परेश, परेश, समनन जी सफाई कर रही हूँ थी। एक मिनट समनन जी। हाँ, आपने परेश को कहीं देखा? समधी जी आप भी क्या है, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। मैंने अपने बेटे को नहीं देखा होगा। नहीं नहीं, अभी अभी कहीं देखा है। अभी अभी मैं 5 मिनट पहले देखा था दरवाजे पर। दरवाजे पर अभी तो नहीं है। आप 5 मिनट पहले देखा था ना, अब तक वहां कैसे खड़ा होगा? 5 मिनट पहले। क्या हुआ अंकल? समदन जी थी यहाँ पर, कहाँ गई बेटा? हाँ वो माँ ने, माँ तो गई। कहाँ गई बेटा? वो कदाच अपने कमरे में गई होगी। अच्छा अच्छा, अपने कमरे में चली गई। हाँ। कमाल है। 5 मिनट पहले यहाँ था अंकल। हाँ बेटा। अंकल आपसे एक उखाड़ा पूछने का था, पूछूं? अरे पूछ पूछ, उखाड़े में तो अपनी पोल में मैं चैंपियन था। तो अंकल है ना, एक गांव होता है, गांव में एक कुआं होता है, कुआं। अच्छा है? तो वो जो कुआं है ना, कुआं, उसमें 5 मेंढक होते हैं, तो उसमें से 4 मर गए, तो कुएं में कितने बाकी रहे? एक अवेले गांडी में कौन सी बड़ी। अंकल कैसी बातें कर रहे हो, 4 वो मरे हुए मेंढक क्या कूद के बाहर निकलेंगे कुएं में से? ए, क्या अंकल आप भी क्या बोला। मर ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझ, ये पण चली गई, परेश भी नहीं दिखाई दे रहा, कमाल है। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी अंकल के सामने मुंह खोलने की, क्या जरूरत थी? दादा एक पंकज दादा अंकल जी के सामने जाके फंस गया था, तो आजू बाजू हम देखा, तुम भी उधर में नहीं था, तो हमको लगा ए सिचुएशन को हम संभाल लेगा, किंतु संभालने नहीं सका। ये संभाल बाबाड़ी, पर क्या बोला क्या तू तो अंकल को कि इतना बड़ा शर्ट धोने की वजह से सिकुड़ के इतना छोटा हो गया? बड़ा नून सेंस। तू क्या बच्चा समझता, दूध पीता बच्चा समझता तू उनको? तो कितने पढ़े लिखे हैं वो,
तेरे जैसे लोगों की बातें सुनकर इतना बड़ा बिजनेस ही खड़ा किया उन्होंने। ए हाले, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने में क्या है हा? क्या हमारा क्या बिजनेस नहीं खड़ा है बाहर में, हमारा वेट करता है? हमारा बिजनेस मंदिर का लाइन में खड़ा है, हमारा बिजनेस ट्रेन में खड़ा है, बस में खड़ा है, अपना जेब में पैसा भर के खड़ा है। सॉरी सॉरी सॉरी। पूरे फसाद की जड़ ये है पंकज, ना ये यहाँ आता, ना ये प्रीति उसके लिए वो बच्चे का शर्ट लाती, ना वो शर्ट पकड़ा जाता, और ना ये गधा जाकर अंकल के सामने अपना मुंह खोलता। एक मिनट अपूर्वा, तुम पंकज जी को दोष क्यों दे रहे हो? और वैसे भी प्रॉब्लम की जड़ पंकज जी नहीं तुम हो। क्या? हाँ, ना तुम प्यार करते, ना शादी करते, ना ये नकली फैमिली बनाते, ना ये पंकज जी से मिलती, ना पंकज जी मुझसे मिलते, ना ये पंकज जी को देखती, ना पंकज जी मुझे देखते, ना हम दोनों एक दूसरे को देखते, ना मुझे वो पसंद आता, ना मैं वो शर्ट लेके आती, ना वो गोंडू का पकड़ा जाता, ना कोई प्रॉब्लम होती। अब तुम बताओ प्रॉब्लम की जड़ कौन है, मेरा पंकज क्या क्या तुम? मैं भी थक गया ये सुन के। एक फैमिली है, ये ना बोले तो बेहतर है। तो अंकल को क्या जवाब दें? रसी सा, इनसे कहिए कि हमारे पास एक आइडिया है। ये चादर वो शर्ट जैसी है ना, तो चद्दर सा, इनसे कहिए कि हम इस चद्दर में से इनके लिए एक शर्ट बना देते हैं, और अंकल को जाके ये कह देंगे कि धोबी ने गलती से शर्ट बदल दी। नॉट अ बैड आइडिया। शर्ट सिएगा कौन? टेबल सा, इनसे कहिए वो हम कर देंगे। उड़ी बाबा, हमारे लिए शर्ट का सिलाई तू करेगा पार्लवी? फिर तो हम सारी जिंदगी वो शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहनेगा। क्या है? क्या? ओ मेरे बंदूरा, ये तेरी चादर अने ये कैची। थैंक गॉड उस शर्ट से मेल खाती, हमें चद्दर मिली, वरना अंकल को क्या जवाब देते? चिंदी सा, इनसे कहिए ये चद्दर नहीं शर्ट है जो उस शर्ट से मेल खाती है। ओहो, लेकिन पहले तो वो चद्दर थी ना जो अब शर्ट बन गई है। पॉलिथीन सा, इनसे कहिए चद्दर तो है ही नहीं, ये तो शर्ट है। चुप, एक सेकंड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले हमारे पास वो शर्ट थी, हाँ, फिर उससे मेल खाती हमें ये चद्दर मिली, फिर इस चद्दर से हमने ये शर्ट बनाई, और अब हमारे पास ये शर्ट है। अंडरस्टूड? ना दिखने वाली चद्दर सा, इनसे कहिए अभी इन्होंने हमें जो समझाया ना, हमें कुछ समझ में नहीं आया। साड़ी सा, प्रीति भाभी से कहिए हम इनसे मस्ती कर रहे थे। मस्ती? बे यार, इस घर में जो मस्ती हो रही है वो क्या कम थी जो तुम्हें मस्ती सूझ रही है? प्रीति भाभी, हाँ भाभी, आप यहाँ हैं? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। क्यों, क्या बात है? मैं आज शॉपिंग करने गई थी और ये पिलो कवर्स ले आई। मैंने सोचा ये उस चादर से मैच करेंगे जो उस दिन आपके रूम में थी। कौन सी चादर? वो ब्लू चेक वाली चादर जो उस दिन आपके रूम में बिछी हुई थी। मैंने सोचा ये पिलो कवर्स उस चादर को मैच करेंगे, इसीलिए ढूंढ रही हूँ। चलिए ना भाभी, वो चादर आपके रूम में होगी अभी। हाँ, अगर ये मैच परफेक्ट नहीं हुआ ना तो मुझे जाके चेंज करना पड़ेगा, प्लीज। हाँ, चलिए ना भाभी, जल्दी। कालीन सा, आरती भाभी तो उस चद्दर को ढूंढ रही है जिसकी हमने शर्ट बना डाली। आरती भाभी को वो चद्दर कहाँ से ला कर देंगे हम?